जय हिंद बच्चों, मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसका दूसरा नाम होता है ढांचा समीकरण, और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हेडिंग लगाते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो इसमें आप देखेंगे दो प्रकार, पहला असंतुलित उसी का दूसरा नाम ढांचा रासायनिक समीकरण दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे कि असंतुलित या ढांचा समीकरण क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण इसमें लिखेंगे वह समीकरण जिसमें सभी तत्वों की के अभिकारकों तथा उत्पादों में संख्या समान हो और संतुलित समान न हो और संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण है मैग्नीशियम ये सॉलिड, ऑक्सीजन गैस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सॉलिड। अब इसमें आप देखेंगे तो ये अभिकारक है, तो अभिकारक में मैग्नीशियम की कुल संख्या एक, उत्पाद में आप देखेंगे मैग्नीशियम की संख्या तो एक, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में कुल देखिए तो दो, और उत्पाद में देखिए तो एक। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण कहेंगे। क्योंकि प्रत्येक तत्व जितना उसकी संख्या कुल संख्या जितनी बाई और अभिकारक में हो उतनी ही उसकी संख्या कुल संख्या जोड़े तो दाई और उत्पाद में बराबर होगा। तो ऐसे समीकरण को अगर बराबर होगा तो संतुलित, नहीं होगा तो
ढांचा समीकरण कहेंगे। अब दूसरा हेडिंग लगाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा सेम होगा, न को बस हटा देंगे। परिभाषा होगा वह समीकरण जिसमें सभी तत्वों की अभिकारकों तथा उत्पादों में संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आपको संतुलित करने के लिए आप अगर इसमें दो से गुणा कर दें यहाँ और दो से यहाँ, तो अब देखेंगे आप तो अभिकारक में मैग्नीशियम की कुल संख्या दो हो गई, उत्पाद में भी दो है, ऑक्सीजन अभिकारक में दो है और उत्पाद में भी दो है। अब आप इस समीकरण में देखेंगे कि जितने भी तत्व अभिकारक और उत्पाद में हैं उनकी कुल संख्या जितनी अभिकारक में है उनकी कुल संख्या उत्पाद में बराबर है, इसलिए इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। अब ये देख के नहीं आप कहेंगे संतुलित की दो इधर है, दो इधर, सब दो दो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मैग्नीशियम अभिकारक में दो है तो उत्पाद में भी दो होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ अभिकारक में तीन होता तो उत्पाद में भी इसको तीन होना चाहिए। ये नहीं होता है कि सब बराबर हो, जो जो तत्व जितना अभिकारक में हो उतना ही उत्पाद में होना चाहिए, संख्या अलग अलग हो सकती है। तो हम लोग अभी रासायनिक समीकरण के दो प्रकार, असंतुलित जिसको ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं और दूसरा संतुलित, इन दोनों को उदाहरण के साथ और परिभाषा के साथ पढ़े। अब आगे हम लोग एक और उदाहरण देकर के आपको असंतुलित और संतुलित समझाता हूं। जैसे यह समीकरण है Fe आयरन, इसकी क्रिया जब आप जल से कराएंगे तो Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आपसे पूछा जाए कि यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित, तो आप आयरन को देखिए, अभिकारक में कुल इसकी संख्या एक और उत्पाद में तीन हो गया। आयरन को ही चेक करने से पता चल गया कि संख्या बराबर नहीं है, तो ये अगर एक भी परमाणु बराबर नहीं निकला दोनों साइड में अभिकारक और उत्पाद में, तो पूरा रासायनिक समीकरण ही असंतुलित हो जाएगा। तो आयरन से ही पता चल गया कि ये असंतुलित है, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, आगे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही पता चल गया कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये है असंतुलित, अब इसको संतुलित बनाने जा रहे हैं। ये जो समीकरण दिया है ये असंतुलित है, हमने चेक कर लिया, अब इसको हम संतुलित बनाने जा रहे हैं। तो करेंगे क्या कि अगर आप इस समीकरण को लिख लीजिए और इसमें आप यहां फोर से गुणा कर दीजिए, यहां फोर से, यहां थ्री से करिए, अब मिलाइए, आयरन अभिकारक में कुल तीन, उत्पाद में भी तीन, हाइड्रोजन अभिकारक में चार गुना आठ, उत्पाद में हाइड्रोजन आठ, ऑक्सीजन अभिकारक में चार और उत्पाद में भी चार। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण में सूत्रों और संकेतों के आगे उचित संख्याओं से गुणा करके उसको संतुलित बनाया जाता है। तो ऊपर जो अभिक्रिया है ये असंतुलित है और नीचे जो है ये संतुलित, यह हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित और यह असंतुलित। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं परमाणुओं की संख्या गिनने में, कि जैसे मैंने यहाँ पे आठ लिख दिया, बच्चों को लगेगा कि ये चार है या कहीं दो लिखते हैं, तो अभी हम उसको समझाएंगे। अभी तो फिलहाल इतना देख लीजिए आप लोग,
कहीं पर आपको ऐसे दिखे H2 लिखा है और कहीं 2H2 लिखा है या 3H2 लिखा है। तो यहां कोई पूछे कि कितना परमाणु है तो 2, यहां कोई पूछे तो 6। ये कैसे 2 आया? तो आप देखिए यहां कुछ नहीं है किसी के आगे, तो आप इसको 1 मान सकते हैं। तो 1 में नीचे की संख्या 2 है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां 6 कैसे आया? नीचे 2 है और आगे 3 है, इसमें आगे कुछ नहीं था तो हम 1 मानते हैं, तो ये 6 हो गया। जो नीचे होता है उससे आगे वाले में गुणा करके कुल परमाणु की संख्या निकाला जाता है। इस तरह जब आप करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि परमाणु की संख्या कितना है। एक बार फिर देखिए, अगर कहीं लिखा हो H2 और कहीं लिखा है 3H2, कोई पूछे कि बताओ टोटल कितने परमाणु होंगे इसमें, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 और यहां 6। वो कैसे आया? तो H2 के आगे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे, और नीचे 2 है तो नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया। और नीचे यहां पर देखिए, नीचे 2 है और आगे कितना है 3, गुणा कर लीजिए 6 आ गया। इस तरह से हम निकालते हैं कि परमाणु की संख्या कितनी हुई, नीचे वाले से आगे वाले में गुणा कर लेते हैं। एक तरीका होता है परमाणु निकालने का। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत से रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण जब उसका लिखा जाता है तो उसमें ताप, दाब और उत्प्रेरक को भी लिखा जाता है। जैसे देखिए, अगर ये समीकरण लिखा है CO+2H2, ये गैस होता है कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कैपिटल सी कैपिटल ओ होगा, स्मॉल नहीं होगा। इसका जब आप क्रिया कराते हैं 340 ATM पर, ये ATM दाब का मात्रक है, ये दाब है, 340 दाब का मात्रक है, तो ये मेथिल एल्कोहल लिक्विड स्टेट में बनता है। तो इस 3 के ऊपर जो 340 लिखा है ये दाब लिखा हुआ है। तो रासायनिक समीकरण में दाब भी कभी कभी लिखा जाता है, ताप भी लिखा जाता है। जैसे एक समीकरण लिया, देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जब आप जल से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश ये ताप बदला रहा है, और आपको पता है कि क्लोरोफिल में ये क्रिया होती है, तो पौधों का भोजन ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज बना और आपको और ग्लूकोज जो होगा वो एक्वस होता है, AQ लिखेंगे आप, और 6 मोल ऑक्सीजन लिख लेगा AQ जेली में। इस रिएक्शन को हम साफ साफ फिर से लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, उसकी क्रिया आप करा देते हैं जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये लिखा है सूर्य का प्रकाश जो क्लोरो पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हीं के कारण भोजन बनता है, तो क्लोरोफिल, तो ये बनाएंगे पौधों का भोजन ग्लूकोज, ये बना ग्लूकोज और आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ये भी एक्वस ही होता है, AQ लिखा हुआ है। तो ये है कि 3 के ऊपर रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो ताप दाब भी लिखा जाता है, सूर्य के प्रकाश का संकेत, कहीं कहीं आप इसमें HNU भी लिख सकते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं लिखने की इच्छा है तो अगर आप कहीं 3 के ऊपर HNU लिख दिए, H प्लांक कॉन्स्टेंट होता है, प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने नियतांक दिया है, इसको प्लांक स्थिरांक बोलते हैं, और न्यू जो आने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति है, तो HNU, अगर प्रकाश सूर्य का प्रकाश हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उसकी जगह HNU सिंबल भी लगा सकते हैं। और अगर कहीं 3 के ऊपर, मैंने अभी सिखाया HNU लगा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है।
अगर कहीं तीर के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह बना है, इसको डेल्टा बोलते हैं, तो आप समझिएगा कि ताप दिया जा रहा है, तब अभिक्रिया हो रही है। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो समीकरण होता है दो प्रकार का होता है, पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण, दूसरा होता है संतुलित समीकरण। दोनों का परिभाषा, दोनों के उदाहरण, और परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं वो सीखा, और रासायनिक अभिक्रिया में तीर के ऊपर ताप दाब कैसे लिखते हैं। तो आपको मैंने ये पढ़ाया, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।